बिहार की पुलिस ने एक फरमान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर कोई किसी आपराधिक वारदात में शामिल होता है तो ना उसे सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही सरकारी ठेका। बिहार पुलिस के इस फरमान पर विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष ने इसे नीतीश सरकार की हिटलर शाही करार दिया है। सुनो 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 बिहार के लोगों, सुनो सुशासन की जनता, सुनो नीतीश राज के वासियों, सुनो बिहार में सरकारी नौकरी का ख्वाब देखने वालों, सुनो सरकार का फरमान सुनो। चार पेज के चिट्ठे में बिहार की पुलिस ने कहा है कि सुशासन सरकार के विरुद्ध बोलोगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। पुलिस के ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में लिखा है कि विरोध प्रदर्शन सड़क जाम में शामिल होकर आपराधिक कृत्य में शामिल होते हैं तो नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारी आदेश पर विरोधी आग बबूला है। सीधे आप चेतावनी दे रहे हैं, ये प्रवृत्ति जो है मैंने लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। लोकतंत्र के जरिए चुनी हुई सरकारें जो हैं इस तरह का कानून बना रही हैं जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता है। कोई बोल रहा है, कोई ट्विटर बम फोड़ रहा है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की तुलना मुसोलिनी और हिटलर से कर रहे हैं। पुलिस का फरमान सवालों में है, खुद पुलिस आकर सफाई दे रही है। हमने सूचना उपलब्ध करा दी, इसके बाद जो नौकरी देने वाले हैं चाहे वे प्राइवेट हों या सरकारी हों या सेमी गवर्नमेंट हों, वे अपनी नीति और विवेक के अनुसार निर्णय लेंगे। पुलिस का फरमान सियासी मुद्दा बन चुका है। धरना विरोध प्रदर्शन पर नौकरी की तलवार लटकाने की खबर पर सरकार भी सफाई दे रही है। सफाई क्या दे रही है, विरोधी नेताओं के ज्ञान पर सवाल उठा रही है। भारतीय संविधान की धारा 19(1)(b) स्पष्ट रूप से यह कहता है कि जुलूस निकालना शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। तो क्या आगजनी, तोड़फोड़, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान में जो शामिल है, क्या नौकरी के लिए ही पात्रता होती है? इतिहास बताता है कि बिहार विरोध धरना प्रदर्शन की सरजमी रही है। सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं, इस वक्त भी छात्र सड़क पर हैं सरकार के खिलाफ। ऐसे में जब पुलिस ने यह फरमान जारी किया है तो सवाल उठने लगे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।